गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। अभी अभी इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ आई है और इकोनॉमिक टाइम्स की इस न्यूज़ में ये बात पता चली है सेंटर फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के द्वारा कि केवल अप्रैल के महीने में 27 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। और ये 2,70,00,000 लोग कौन हैं जिन्होंने अपनी नौकरी गंवाई है? ये है 20 से 30 वर्ष के युवा। जी हाँ, ये भारत की खबर है। 20 से 30 वर्ष के युवाओं में 2,70,00,000 लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं सिर्फ अप्रैल के महीने में। अभी मई के महीने में क्या होगा नहीं पता, जून और जुलाई के महीनों में क्या होगा नहीं पता, पूरे साल क्या होने वाला है नहीं पता। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप अभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग से नफरत कर रहे हैं, तो आपके पास पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहेगा। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि आज से पहले, कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते थे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अब भी आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा सोच रहे हैं, अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, उन बुरे अनुभवों को आप ओवरकम नहीं करना चाहते, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है और ये बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग भारत के लिए ज़रूरी है, इस पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को नज़रअंदाज ना करें। अभी तो केवल 2,70,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। मैं यही कहूँगी कि इस देश को आपकी ज़रूरत है, आइए हाथ मिलाइए और नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाइए।